हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज निराक्षी व्लॉग्स। और आज मैं इतनी सुंदर सुंदर क्यों रेडी हुई हूँ? तो झाजी मुझे लेके जा रहे हैं बड़ी वाली दीदी के यहाँ, और ये सबूत देने वाली थी मैं कि मैं तैयार हो जाती हूँ, और ये ऐसी बनियान में रहते हैं और कहते हैं मैंने लेट करा दिया। दीदी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो ना तो देखना, मैं लेट नहीं कराती हूँ, इसलिए मैंने इन्हें अभी जाने नहीं दिया है। बड़ा जा रहे थे, मैं जा रहा हूँ, टी शर्ट डाल लेता हूँ। मैं रुको, पहले व्लॉग की स्टार्टिंग ऐसी करनी है। अक्कू हो, थोड़ी देर बंद कर दो बेटा। कुहू का भी खाई खाई हो गया है, कुहू नहा चुकी है घर के कपड़ों में। निकाल लिए हैं मैंने कुहू के कपड़े, और ये बैग भी प्रिपेयर कर लिया है सब कुछ। ये देखिए, इसमें है थोड़ी सी दलिया है, रख लिया है। वैसे तो बुआ के यहाँ जा रही है कुहू, देखो ऑन कर लिया झाजी, इसने ऑन कर लिया खुद, क्लिक करके मैं पॉज करके आई थी, बड़ी हो गई। तो इसके दो सेट कपड़े रखने होते हैं, क्योंकि कभी भी ये उल्टी कुछ भी कर सकती है, मतलब ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन होता है ना कि रखना ही होता है। और कुहू को पहना रहे हैं ये, तो जल्दी से पहना देते हैं और मैं तो रेडी हूँ ही। ये सब डालना है मुझे अभी, पहले मैं कुहू को रेडी कर दूँ। आज बाल धो रहा है ना, तो बाल देखो ना कैसे उड़े उड़े से हो रखे हैं। मन कर रहा है स्ट्रेटनिंग करा लूँ बालों की, पर बेकार हो जाते हैं। बेटा इसे बंद करो, कॉपीराइट आ जाएगा। आओ चलो कुहू को रेडी करेंगे। आजा मेरे छोटा बच्चा, सबको हेलो कर दो। हेलो हेलो गाइस, आई एम अनिका झा। हेलो गाइस, करो हेलो करो, आज आप हेलो करोगे सबको, कर दो ना। हेलो हेलो, जैसे मन हो वैसे कर दो, कर दो हेलो, करो ना कुहू। चलो मत कर, आप गंदे बच्चे हो, हेंस प्रूव। आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ, है ना कुहू? आसमान में कितने तारे, चंदा मामा सबसे प्यारे। कुहू को बिल्कुल भी कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, नंग धड़ंग रहना है ठंड में। नो 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 मम्मा, नो नो मम्मा, ना ना मम्मा, ना ना मम्मा, मैं नहीं सो रहा स्कूल के लिए, सोने दो ना। आओ बैठो, खड़े हो बैठो, नहीं पहले बैठो, अब बैठोगे नहीं फिर ये पहनोगे कैसे? तो मम्मा को पकड़ो, अच्छे से पकड़ो मम्मा। पर यहाँ गु सो के उठी थी, तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं रेडी हूँ। जैसे तैसे उसको रेडी किया, और जैसे तैसे उसके बाल भी बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लेट नहीं हुए, ऑन टाइम ही थे जितना टाइम दीदी को बोला था। बट ये था कि हमें शाम की चाय और डिनर पे जाना था, लंच हम कर चुके थे, ज़्यादा कुछ मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आप सभी को एज़ यूजुअल पता है कि ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बट स्टिल जो भी करती हूँ आप सभी के साथ शेयर करने का मन करता है। और आप सभी पूछते भी हैं कि आप जाते हो या नहीं जाते हो, हर चीज़ हमसे शेयर किया करिए, एटलीस्ट ये तो बता दीजिए कि आप जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सब कुछ रिकॉर्ड किया जाए, तो इन्जॉय करिए आप सभी। बिल्कुल रेडी है ना, अपना काजल फैला लेती है, देख रहे हैं आप। क्या किया बेटू, पाउडर भी लगा दो तो भी फैला लेती है। आज वैसे मैंने पाउडर लगाना मैं भूल गया, तो इसने बहुत ज़्यादा फैला। नौजी में उंगली नहीं डालते, कांचे जी का ये, कांचे जी का। जैसे धूप आती है इसकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, कुहू कुहू
आ चुका है बुआ के यहाँ। मैं खाना खा रहे हो? जाजी बैठे हुए। हेलो जाजी, कैसा लग रहा है बड़ी दीदी के यहाँ आके? बहुत अच्छा। बड़ी दीदी के पैर छुए आपने? कब छुए? मैंने तो देखे नहीं। झूठे छुए थे या नहीं? नहीं छुए ना? झूठ ऑन कैमरा झूठ को। चलो अभी आएंगे, अभी पैर छुओ। चलो मैंने तो छू लिए। आपको कैमरा फिर ऑन करके रहना चाहिए था ना, फिर दिखते। और यहाँ पे खूब सारी मस्ती करने के बाद घूस हो गई थी, हमने भी खाना पीना खाया और घर आ गए। और जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे इस क्लिप के बाद, वो नेक्स्ट डे है। इससे ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने वहाँ पे नहीं कर पाई। आप सभी नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे वो नेक्स्ट डे की है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज निराक्षी व्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है एक कमेंट से, मतलब काफी सारे कमेंट। ऑलमोस्ट जब भी मैं बात करती हूँ कि मैंने अभी दलिया बनाया, तो दी दलिया की रेसिपी जरूर शेयर करिए। तो आज मैं रेसिपी शेयर कर ही लेती हूँ कैसे मैंने दलिया बनाया। तो इसके लिए मैंने रेडी कर लिया है ये वेजिटेबल प्लेट। तो ये देखिए, तो इसमें है बीटरूट, कद्दू, घिया और ये है मटर। मटर में काफ़ी प्रोटीन होता है, तो अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर ज़रूर डालें। और ये सारी तो विटामिन और न्यूट्रिएंट से एनरिच्ड है। और ये देखिए, मूंग दाल, दलिया और थोड़ा सा बाजरा। आई नो क्वेश्चन आएगा कि ये बाजरा आपने कहाँ से मंगाया, तो मैं ये भी दिखा देती हूँ। ये मैंने डी मार्ट से लिटिल मिलेट्स करके है, ये देखो, हेल्दी चॉइस डी मार्ट का है, लिटिल मिलेट ये मंगाया है। ठंड में ये काफ़ी अच्छा होता है, दलिया के साथ आप मिक्स करके बना सकते हो इसको, गर्माइश देता है अंदर से। और अगर नहीं अवेलेबल हो तो आप दलिया और सिर्फ मूंग दाल भी ले सकते हैं। जितना ग्रेन्स लें आप, उससे डबल में वेजिटेबल लें तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, ये मैंने सीखा है। सिर्फ ग्रेन अगर आप लेंगे तो बच्चों की पॉटी बहुत हार्ड होती है, तो इससे बेटर है कि आप जितना ग्रेन लो, यानी कि जितना दलिया और ये दाल ले रहे हो उससे डबल में वेजिटेबल डालो आप, तो बहुत सही डाइजेशन होता है उनका। और ये आप भी खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए बनाओ ऐसा। अब कुहू बड़ी हो गई है तो मैं उसके लिए ऐसा बनाती हूँ दलिया कि अगर मेरा भी मन करे तो मैं आराम से खा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुकर में बनाएंगे एज यूजुअल। तो कुकर यहाँ पे चढ़ा लिया है और मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेन बात जो मुझे आप सभी से करनी है वो ये करनी है कि प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। कब से लटकी हुई हूँ मैं, 14 से 15 हज़ार ही हुए हैं, डेढ़ दो साल से, लिटरली डेढ़ दो साल से सिर्फ मेरे 14 से 15 हज़ार ही हुए हैं। जो लोग देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 80% लोग हैं जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, देखते हैं। क्या जा रहा है यार, रेड जो बटन है वो प्लीज़ क्लिक कर दो आप सभी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियोस अच्छी अच्छी लेके आऊँगी। और यहाँ कू सो रहा था, कू उठ गया है, उठते दीदी के साथ खेल रहा है अपनी। ओए दीदी को किची कर दो, किची कर दो दीदी को, ओ किची कर दो, एक बार और कर दो किची। एक ही बार करना है, एक ही बार करना है। अकू वो पिजन कहाँ रहता है? पिट्टी नहीं करते, पिजन कहाँ रहता है? पिजन हो बाहर रहता है, बाहर पिजन बाहर दिखा रही है। आपका खाना खा गया था? हाँ, पिट्टी करता है, हाँ खाना भी खा लेते। हेलो हेलो कर रहे हो, हेलो ता। हेलो ऐसे भी होता है, ये हेलो ऐसे भी करती है। हेलो कर दो, सभी को हेलो कर दो, कुहु सबको हेलो कर दो। हेलो हेलो अनिका, अच्छा एक बार हेलो कर दो। हेलो अनिका, इधर देखो अनिका, हेलो अनिका बेटा, फोन वाला हेलो बाद में, ऐसे वाला करो ना, फोन वाला कर। चलिए ये तो चलता रहेगा। और ये देखो, यही मैंने तैयारी की थी, यहाँ पे फैला हुआ है ये सब।
तो इसको वॉश कर लेते हैं। पहले तो इसे ऑन कर देते हैं कुकर। कुकर ऑन हो गया, गर्म हो जाएगा। घी में बनाएंगे दलिया और सबसे पहले वेजिटेबल फ्राई कर लेंगे। फ्राई नहीं, रोस्ट करेंगे। रोस्ट भी नहीं, सौते करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे दलिया बनाती हूँ उसमें मैं घी से ही बनाती हूँ और घी से ही तड़का भी लगाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कुकर जब गर्म हो जाएगा तो हम उसमें एक चम्मच या आधा चम्मच जैसा आप खाते हो वैसा घी डाल लें। आधा डालती हूँ मैं क्योंकि कुहू खाती है तो ज़्यादा भी घी नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसमें हींग डाल लें ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो। सारी सब्जियाँ डाल के उसे सौते कर देंगे, अच्छे से उसे भुन लेंगे सब्जियों को, ताकि अच्छे से। जब गाजर डालें तब तो घी ज़रूर डालें क्योंकि गाजर पचता ही तभी है जब उसमें घी मिला रहता है। उसके बाद सारा कुछ जो ग्रेन हमने लिया है, जैसे दाल, दलिया या चावल ले रहे हैं या फिर बाजरा डाल रहे हैं, सब कुछ धो के अच्छे से डाल लें। अगर इसको 2-3 घंटे आपने फुला रखा है या ओवरनाइट सोक कर रखा है तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, तब तो 2 ही सीटी में बन जाएगा। पानी डाल के इसमें 3 सीटी लगानी है हमें और फिर 5 मिनट के लिए कम गैस करके छोड़ देना है। यहाँ पे हल्दी और नमक के अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। और पानी जो डालना है वो जैसे चावल में हम डालते हैं कि जितना ग्रेन लिया है उससे डबल। ये देखिए कितना टेस्टी सा दलिया बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने छौंक लिया था पहले ही, इसलिए बाद में छौंका नहीं लगाया मैंने। और वहाँ पे मेरा लंच बन रहा है, मैं पराठे आज बना रही हूँ। तो दलिया बिल्कुल रेडी था तो मैंने सोचा दिखा दिया जाए। मैश करके ये मैं कुहू को अब खिलाऊंगी। और यहाँ देखिए कुहू को नहा धो के बिल्कुल तैयार कर दिया है। केसरी के लाल, ओ मेरे केसरी के लाल, छुटकू छुटकू मुटकू मेरा सनातनी बच्चा है। जय 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 श्री राम करना। अभी हाथ में घंटी है वरना दोनों हाथ ऊपर। हो जय जय कर लो। हाँ हाँ, ओहो ओहो डांस होता है। जय 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 हाथ से करते हैं ना। जय जय करो, घंटी ले लोगे रोने लगे। शाम को पूजा ही करते रहो पूरा दिन बैठ के इसके हिसाब से। शाम को करते हैं पूरा दिन, पूजा नहीं करते। देखो यहाँ रख दो, पूजा करने में आज ऐसे नहीं गुस्सा करते। आओ फिंगर पकड़ो, मम्मा का फिंगर पकड़ो। प्यार नहीं पकड़ो, आ जाओ सोनू। चलो। उसके बाद मैंने कुछ पार्सल्स थे स्टोन ब्रेसलेट्स के, तो ये सारे मैंने पैक किए और मार्ट से ही सारे डिस्पैच किए। मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं कि कोई मंगाता भी है या नहीं मंगाता है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टोन क्रिस्टल्स पे बिलीव करते हैं। आप सभी को भी मंगाना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यहाँ पे कुहू के साथ की थोड़ी बहुत मस्ती, खूब सारा खेला। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।